नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme P1 5G versus iQOO Z9 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो P1 5G में 2.97 इंच जबकि Z9 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 188 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो P1 5G में 87.36% जबकि Z9 5G में 86.83% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो P1 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Z9 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो P1 5G में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Z9 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो P1 5G में माली G68MC4 जबकि Z9 5G में माली G610MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो P1 5G में MediaTek Dimensity 7050 और Z9 5G में MediaTek Dimensity 7200 मिलता है। बात करें RAM की तो P1 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Z9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो P1 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Z9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो P1 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹15,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹16,999,
8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 18,989 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Z9 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,827 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme P1 5G में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें IQOO Z9 5G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Z9 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 20 है, दूसरा पोको X6 5G है, तीसरा मोटो G0 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।